बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। अब मैं मुख्य अतिथि जी का आह्वान करूं, आपकी तरफ से दो लाइनें। आज की इस पावन वेला में उपस्थित जन समूह असीम पारामार से निमग्न है। आपका सरल, स्नेहिल और ओजस्वी व्यक्तित्व महान तो है ही, समता, सौहार्द और जनसेवा की त्रिपथिका में सुस्नात होकर प्रेरणाप्रद भी है। आपके पास सब कुछ है, सुनिएगा, आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है, मालूम है क्या नहीं है? अभिमान नहीं है। और जहां अभिमान नहीं होता वहां भगवान होते हैं। और माननीय अखिलेश जी, ईश्वर तो बस एक है, उसके हैं दो रूप, एक ही है और दो दिखे, माननीय अखिलेश जी सूरज और माननीय तेज प्रताप जी धूप। इसी के साथ मैं आह्वान कर रहा हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्व MLC सुभाष चंद्र यादव जी, यहां के विधायक आदरणीय सोबरन सिंह यादव जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद तेज प्रताप जी, संचालन कर रहे रामनारायण बाथम जी, मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी नेता और कई साथी जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैनपुरी सदर से राजू यादव, इंजीनियर ब्रजेश कठेरिया, आलोक साखी जी और हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए देवेश साखी जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक अनिल यादव, MLC अरविंद असीम यादव, देवेंद्र सिंह यादव, महाराज सिंह साकी जी, AH हाशमी साहब, कुमार सिंह वर्मा जी, सौरभ कश्यप, जितेंद्र चौहान, विद्याराम यादव, सचिव चंद राठौर जी और हाल ही में समाजवादी पार्टी में और शामिल हुई सरिता साकी जी और रमा साकी जो पूर्व में प्रत्याशी भी रही भारतीय जनता पार्टी में, इन दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देता हूं। मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में समाजवादी नेता और जो दूसरे मंच में हमें दिखाई दे रहे हैं, सभी हमारे जिम्मेदार नेता, सभी हमारे जिम्मेदार नेता और कार्यकर्ता, इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, माताएं बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और इधर लगातार पाबंदियां थीं और ये वैश्विक महामारी की वजह से चुनाव आयोग ने भी बहुत सारे नियम बनाए थे। उन नियमों का पालन करते हुए मैं ये कह सकता हूं कि इस चुनाव का सबसे बड़ा कार्यक्रम अगर कहीं संपन्न हो रहा है तो यहां पर आज करहल विधानसभा में हो रहा है। जो नियम है उनका हम लोग पालन कर रहे हैं, जो नियम और पाबंदियां हैं उन सब का पालन करते हुए, क्योंकि इधर जहां जहां कार्यक्रम हुए हैं हम लोगों पे कहीं ना कहीं कुछ जगह शिकायतें भी हुई हैं। अभी नोएडा में जब कार्यक्रम था, जोश और उत्साह में
लोगों ने थोड़ी आतिशबाजी कर दी। अभी जानकारी मिली है कि हम पर और जयंत चौधरी जी पर कार्रवाई होने के लिए कुछ लोगों ने शिकायत की है और हजारों लोगों को अज्ञात में डाला है। अभी कुछ दिन पहले रथ चल रहा था आगरा में, उसमें भी सुनने में आ रहा है कि अज्ञात लोगों पर वहां भी कुछ जो प्रोटोकॉल है, कोविड है, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको तोड़ने की शिकायत पर भी कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन हमें उम्मीद है कि यहां पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि यहां हम सब लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। हम सब लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, इसलिए यहां कोई कार्रवाई नहीं होगी। इधर हम लोगों ने देखा कि वैश्विक महामारी आई, उसके कारण हमें और आपको सबको अपना नाक और मुंह बंद करके चलना पड़ा। और आज भी ऐसा है कि अगर बीमारी से बचना है तो हमें और आपको अपने नाक और मुंह बंद करके रखना है। लेकिन अब चुनाव आ गया है, अब चुनाव आ गया है और ये चुनाव जिस चरण में है वो तीसरे चरण में है। मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का परिवर्तन दिखाई दे रहा है और जिस तरह की हवा चल रही है, पहले चरण में ही सरकार के आंख और कान खुल जाएंगे। जिस सरकार ने अभी तक आंखें और कान बंद कर रखे थे, पहले चरण से ही सरकार की आंख और कान खुल जाएंगे, क्योंकि किसान से लेकर के नौजवान इस बार तैयार है इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हटाने के लिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां के किसानों ने तकलीफ और परेशानी का सामना किया है। यहां जितने किसान भाई हैं और जितने हमें नौजवान दिखाई दे रहे हैं, सब किसान परिवार से जुड़े लोग हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो खेत ना हो, खेती ना करता हो, और खेती के साथ साथ ये नौजवान भी उन्हीं परिवारों के लोग हैं। इन्होंने देखा कि किस तरीके से खेती बाड़ी बर्बाद हो गई, खेती बर्बाद हो चुकी है, और जो सरकार ये कह रही थी कि आय दोगुनी होगी, बताओ कहीं किसी किसान भाई की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। और जब खाद लेने हो गए तो बताओ खाद मिली कि नहीं मिली। नहीं लगता किसी को खाद मिली होगी, और खाद अगर मिल भी गई होगी तो आपने देखा होगा बोरी में से खाद की चोरी हो गई। कभी कभी सोचता हूं ये बीजेपी के लोगों ने चोरी कहां से सीखी है, ये जो बोरी की चोरी है ये कहां से बीजेपी ने सीखी है। यहां पर जितने लोग होंगे उन्होंने कभी न कभी अपने जीवन में पार्ले जी बिस्किट खाया होगा या पार्ले जी का बिस्किट पैकेट खरीदा होगा। यहां ये बुजुर्ग लोग हैं, जब आपके जमाने में पैकेट मिलता था तो कितना बड़ा पैकेट था। जब पहले पार्ले जी का पैकेट मिलता था बहुत बड़ा पैकेट होता था, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ी उसमें से बिस्किट कम होते चले गए, महंगाई बढ़ती चली गई, बिस्किट कम होते चले गए, और आज भी जो पैकेट मिल रहा है कीमत वही है लेकिन उसके अंदर बिस्किट उतने नहीं हैं। हमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बोरी की चोरी अगर कहीं से सीखी है तो पार्ले जी के बिस्किट पैकेट से सीखी है। अभी इधर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, अभी हमारे और आपके योगी बाबा मुख्यमंत्री जी
ये कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। पता नहीं क्यों गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं। और जो लोग पढ़े लिखे होंगे वो जानते होंगे कि फ्रिज से जब सर्दी ठंडा करना होता है फ्रिज में, तो फ्रिज ठंडा ही तभी करती है जब उसके अंदर कंप्रेसर सही चलता है। जो लोग फ्रिज के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे वो जानते होंगे कि फ्रिज तभी ठंडा करती है जब उसका कंप्रेसर ठीक चलता है। बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्या कंप्रेसर हैं जो गर्मी निकाल देंगे? और समाजवादियों ने तय किया है और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकलेगी और पुलिस की भर्ती निकलेगी। ये गर्मी निकालने वालों के लिए हम और नौजवानों के लिए हम कह के जा रहे हैं कि फौज की पुलिस की भर्ती निकाल करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। इधर समाजवादी पार्टी ने बहुत नए नए फैसले लिए हैं। इधर जब भी बिजली का बिल आता होगा तो करंट लगता होगा बिल देख करके। हमारे तमाम किसान भाई और गांव में रहने वाले लोगों का न जाने कितनी मीटर की शिकायत रही और पैसे वसूलने के लिए सरकार ने न जाने कितनों पर मुकदमे दर्ज कर दिए। तमाम लोगों को परेशानी उठानी पड़ी और आज भी सरकार सबसे महंगी बिजली दे रही है और इस सरकार ने कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है अगर एक भी बिजली का कारखाना कहीं लगा हो तो बता दो, कहीं बिजली का कारखाना नहीं लगाया। लेकिन बताओ हमें और आपको कितना बिजली का बिल देना पड़ रहा है, लगातार बिल देना पड़ रहा है, बढ़ चढ़ करके बिल देना पड़ रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। और जैसा नेताजी ने सिंचाई माफ की थी, कोई पैसा नहीं देना पड़ता था, समाजवादी सरकार बनेगी तो सिंचाई के लिए भी बिजली मुफ्त होगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा किसान भाइयों को। और जैसे ही समाजवादियों ने तय किया कि बिजली फ्री देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम बिजली के बिल आधे कर देंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि 4.5 साल जो पैसा वसूला है बताओ वो वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इस बार जनता के गुस्सा के सामने भारतीय जनता पार्टी का ट्रांसफॉर्मर उड़ जाएगा। ये जो गुस्सा है, भारतीय जनता पार्टी अपना ट्रांसफॉर्मर नहीं बचा पाएगी। इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री हम लोगों की नकल कर रहे हैं। समाजवादियों ने लैपटॉप बांटे थे तो अब ये बाबा मुख्यमंत्री स्मार्टफोन बांट रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि करहल और मैनपुरी में किसी को बाबा मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप या टैबलेट दी होगी और ना स्मार्टफोन दिया। और सोचा करो क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री खुद चलाना नहीं जानते। और समाजवादियों का दिया हुआ लैपटॉप आज भी गांव में चल रहा होगा, आज भी खराब नहीं हुआ होगा। और जैसा हम लोगों ने बनाया था वैसे ही वो बना रहे हैं कि ऑन करो तो उनकी फोटो दिखाई दे। समाजवादी सरकार आएगी तो उनका मोबाइल से जो फोटो आता है वो भी निकालने का काम कर देंगे। और पहले की तरह बच्चे जो आगे की पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं उनको लैपटॉप देकर के दुनिया से जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और इसके साथ साथ
समाजवादी पार्टी ने तय किया, अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि इस समय नई नई नौकरियों की जरूरत है, नए नए रोजगारों के अवसर मिले, क्योंकि जिस तरीके से तकनीक बदल गई है और जिस तरीके से काम करने का तरीका बदल गया है, जिस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए, नए नए कोर्स आ गए हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अगर 14 लाख लैपटॉप बांट सकते हैं तो उसी क्षेत्र में आईटी के सेक्टर में अगर 22 लाख भी नौकरी नौजवानों को देनी पड़ी तो समाजवादी सरकार में उन नौजवानों को अच्छी नौकरी, लैपटॉप चलाने वाली या आज के समय पर जो नौकरियां मिलती वो देने का काम करेंगे। इधर बहुत पार्टी ने फैसला लिया है, ये जो कर्मचारी संघ के लोग हैं समय समय पर हम लोगों को सभाओं में मिलते थे और सभाओं में कहते थे कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो। यहां भी तमाम नेता बैठे हैं जो उनके संगठन के लोगों से मिलते थे और संगठन के लोगों की यही मांग होती थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो, कोई सरकार नहीं की। इस बार हम लोगों ने कर्मचारी संघ के जितने पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठे और उनके साथ राय बनाई, और जो फाइनेंस और वित्त के जानकार लोग हैं, जो फाइनेंशियल चीजों को समझते हैं, उनको साथ ला करके और जो उस विभाग में पुराने अधिकारियों ने जिन्होंने काम किया है उनसे बात को समझ करके समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनने पर पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और जब पुरानी पेंशन बहाल कर दी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब तुलना कर रहे हैं कि नई पेंशन अच्छी है कि पुरानी पेंशन है, लेकिन यहां उत्तर प्रदेश के जितने लोग हैं वो नई पेंशन नहीं चाहते, पुरानी पेंशन चाहते हैं, इसलिए सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन को भी बहाल करने का काम होगा। कोरोना और बीमारी के समय पर सब कुछ बंद हो गया, बाजार बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए और हमें और आपको भी घरों में रहना पड़ा। अगर उस समय कोई काम कर रहा था तो वो हमारे किसान थे जो खेतों पे जाकर के उन्होंने काम किया, और किसानों की वजह से न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को अगर किसी ने बचाया तो हमारे किसानों ने बचाया, उन्होंने कोरोना के समय में भी मेहनत करने का काम किया। इसलिए कोरोना के समय पर अगर कोई मदद कर रहा था तो वो आपकी एम्बुलेंस थी, एम्बुलेंस उस समय भी चल रही थी। इन बाबा मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस खराब की, एम्बुलेंस नई दी गरीबों को। आज भी जो एम्बुलेंस सड़कों पे चल रही हैं तो बताओ ये समाजवादियों की है कि नहीं है। और इसी तरीके से पुलिस के लिए, ये हमारे पुराने लोग जानते होंगे, थानों पे पैसा नहीं होता था। अगर किसी चोर या अपराधी या घटना करके जो भाग रहे होते थे उनको पकड़ने के लिए आपसे पैसे वसूलती थी पुलिस, और जब पैसा मिल जाता था तभी उनकी गाड़ी चलती थी। कोई विभाग के पास बजट नहीं था डीजल और पेट्रोल का। मैंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनेगी जो दुनिया की व्यवस्था है, इसलिए न्यूयॉर्क, अमेरिका की सबसे बड़ा शहर, न्यूयॉर्क की पुलिस कैसे काम करती है उसके लिए यहां से अधिकारी भेजे गए थे, जो इस विभाग के अच्छे अधिकारी उनको भेजने का काम किया वहां, वो देख करके समझ करके आए। और उसके बाद प्रोफेसर वेंकट थे, उनको साथ लेकर के आए और उनके राय मशवरे पर ये पुलिस को 100 नंबर देने का काम हुआ। और जिस समय समाजवादी सरकार थी, समाजवादी पार्टी ने शुरू किया इसको और पुलिस के लिए सबसे बेहतरीन व्यवस्था दी कि अगर कहीं घटना हो जाए तो 10 या 15 मिनट में पुलिस पहुंच जाती थी और मदद करने का काम करती थी। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 नंबर से 112 किया है तब से पुलिस का कबाड़ा कर दिया, 100 से 112 करके पुलिस का कबाड़ा कर दिया।
पहले पुलिस ठीक थी, लेकिन 112 नंबर पाके पता नहीं क्या हो गया पुलिस को। आने वाले समय में अगर कानून व्यवस्था को लेकर के कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा और गाड़ी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तो हम समाजवादी लोग गाड़ियों को बढ़ा करके सुरक्षा और कानून व्यवस्था कैसे ठीक हो उस दिशा में काम करेंगे। ये तमाम काम समाजवादियों ने किए हैं और करके दिखाए हैं। पहले 500 रुपए मिलते थे समाजवादी पेंशन में माताओं बहनों को, हमारी गरीब माताओं को 500 रुपए मिला करते थे, लेकिन इधर जब से महंगाई बढ़ी है समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 500 नहीं बल्कि 3 गुना करके उन्हें पेंशन 1500 रुपए महीना देने का काम करेंगे। ये तमाम काम और तमाम योजनाएं हम आपके बीच में लागू करना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सरकार बने। जो पहले चरण का चुनाव है, हालांकि आपका तीसरे चरण का चुनाव है, जो पहले चरण से चुनाव की शुरुआत होने जा रही है, बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव दूसरी दिशा में ले जाएं, लेकिन अभी जागरूक जनता है, जागरूक जनता अभी भी चुनाव को विकास और खुशहाली के रास्ते पर ले जाना चाहती है। पहले चरण से ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना शुरू हो रहा है, पहले चरण से ही भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो रही है और 3 आते आते भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। जहां से शुरुआत हो रही है पश्चिम से शुरुआत हो रही है, पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा और करेल आते आते भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। ये करेल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक हार होने जा रही है। बताओ उन्हें ऐतिहासिक हार हराओगे कि नहीं हराओगे? अभी तक तो मंच पे लोग कह रहे थे कि सबसे बड़ी जीत होगी, लेकिन मैं ये कहता हूं प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा वोटों से हारे तो वो करेल से हारे, ये मैं चाहता हूं। इसलिए मैं ये करेल विधानसभा नेताजी के क्षेत्र की विधानसभा है। नेताजी की क्षेत्र की विधानसभा है और कभी भी ये विधानसभा पीछे नहीं रही है वोटों के मामले में। अपनी पार्टी को न जाने कितनी बार यहाँ की जनता ने जिताने का काम किया है। यहाँ बहुत सारे विधायक बैठे जो जीते हैं, ये लगातार समाजवादियों के साथ रही है। यहाँ की जनता ने हमेशा समर्थन किया है, इसलिए ये चुनाव न केवल हमारा है बल्कि उत्तर प्रदेश के भविष्य का भी चुनाव है। ये उत्तर प्रदेश का भविष्य का चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान का बचाने का चुनाव है। बताओ इस चुनाव से लोकतंत्र बचाओगे कि नहीं बचाओगे? बताओ संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और इसलिए बचाना जरूरी है कि संविधान हमें अधिकार और संविधान हमें सम्मान देता है। ये इस क्षेत्र की जनता से कोई आज का रिश्ता नहीं है समाजवादियों का, इस क्षेत्र की जनता से नेताजी का जाने कितना पुराना रिश्ता है, इस क्षेत्र से नेताजी का कुश्ती के जमाने का रिश्ता है।
कुश्ती और दंगल के जमाने का रिश्ता है। और जैसा कि अभी मंच में कहा कि जब नेताजी को चुनाव लड़ना था, तो सुभाष यादव जी के परिवार ने उनके लिए सीट छोड़ी थी। नत्थू सिंह जी ने सीट छोड़ करके उन्हें विधानसभा में पहुंचाने का काम किया था। और आज जब मुझे चुनाव लड़ना पड़ रहा है, और मैं चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूं क्योंकि योगी से पहले चुनाव लड़ना चाहता हूं। योगी जी का चुनाव जाने कब होगा, लेकिन उनसे पहले हमारा वोट पड़ जाए इसलिए करहल में आए हैं। मैं आभारी हूं, और न केवल मैं आभारी हूं, पूरी समाजवादी पार्टी आभारी और धन्यवाद देती है सौवरन सिंह यादव जी का कि जिन्होंने अपनी सीट को देने का काम किया है। वैसे तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दान से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, लोग ये मानते हैं कि दान से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि दान से भी बड़ा अगर कुछ होता है तो वो त्याग होता है। अगर त्याग किसी ने किया है तो आपके विधायक सौवरन सिंह यादव जी ने त्याग कर करके हमें मौका दिया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, सुभाष यादव जी का सम्मान करना हो, सौवरन सिंह जी का सम्मान करना हो, समाजवादी लोग पीछे नहीं हटेंगे। सरकार बनने पर उनका सम्मान करने का काम भी होगा। आज मुझे खुशी है कि देवेश साकी जी भी आज समाजवादी पार्टी में हमारे साथ हैं, और बड़े संख्या में आज समाजवादी पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं। सरिता साकी जी भी समाजवादी पार्टी में आ गई हैं, रमा साकी जी भी समाजवादी पार्टी में आ गई हैं। मैं तमाम करहल और उत्तर प्रदेश के लोगों को ये भरोसा दिला सकता हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो कहीं भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। ये हम लोग आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि इधर भारतीय जनता पार्टी न जाने कौन सा प्रचार करने लगे। भारतीय जनता पार्टी कोई भी प्रचार कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी कोई भी प्रचार करेगी, कोई भी साजिश करेगी, कोई भी षड्यंत्र करेगी। और यहां की जनता ने देखा है कि बड़ी बड़ी साजिशों का, बड़े बड़े षड्यंत्रों का मुकाबला किया है। याद होगा जब लोकसभा का चुनाव था, कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई जगह तीन तीन बार वोट डलवाया था। याद है कि नहीं याद है? इसी लोकसभा में जब कांग्रेस पार्टी थी, दिल्ली में थी, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई लोगों को तीन तीन बार वोट डालना पड़ा था। कांग्रेस वाले ये सोचते थे कि मैनपुरी में अगर बार बार चुनाव को रोका जाएगा, थोड़ा दबाव बनाया जाएगा और थोड़ी बहुत सख्ती की जाएगी तो हो सकता है कि जनता घबरा जाए, जनता अपना मन बदल ले। लेकिन मैनपुरी की जनता कितना भी दबाव बना रहा हो, कोई भी साजिश रही हो, लेकिन मैनपुरी की जनता ने उस लोकसभा का चुनाव भी समाजवादियों को जिताने का काम किया। मेरा सौभाग्य है इस बात का कि मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला है। वैसे तो मैं अभी लोकसभा का सांसद हूं, आजमगढ़ के लोग थोड़ा नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से करहल सैफई को अपना घर माना है, उसी तरीके से आजमगढ़ का के लोगों को कभी हम अपने से दूर नहीं कर सकते हैं, कि उन्होंने नेताजी को भी जिताया, समाजवादी पार्टी को भी जिताया, जब मैं उसके बीच नहीं पहुंच पाया उसके बावजूद भी हमें जिताने का काम किया। इसलिए जैसा हमारे लिए सैफई, वैसा ही करहल और वैसा ही आजमगढ़ का विकास करने का काम हम लोग सरकार में करेंगे। एक दिन मैंने सुना कि बीजेपी के लोग कह रहे थे कि ये चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे कि किसी विधानसभा में इन्होंने काम नहीं किया है। बीजेपी के लोग कह रहे थे कि किसी विधानसभा में इन्होंने काम नहीं किया है, ये चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। मैं बीजेपी वालों से कहूंगा, कभी एक्सप्रेस वे पे आना और जरा करहल कट देखना,
यहाँ पर करहल के कट से उतरते हैं, वहां देख लेना, दिन में दिखाई दे ना दिखाई दे, लेकिन अगर रात में आ गए तो हो सकता है आपको लगे कि कहीं हम विदेश में तो नहीं जा रहे हैं। एक जमाना था इस सड़क को हमने भी देखा, कैसी सड़क थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ये तो नए लोग भी जानते होंगे, 4-5 साल पहले यहाँ सड़क नहीं थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कितने कम समय में सड़क बन सकती थी। जब मैं सड़क को बनाना चाहता था, बहुत सारे लोग कहते थे ये सड़क नहीं बन पाएगी, बहुत से लोग कहते थे इतना पैसा आएगा कहाँ से, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। और जिस समय शिलान्यास कराया था, तो जब शिलान्यास के लिए नेताजी को बुलाया गया, और जैसा कि आप लोग जानते हो नेताजी की आदत है, जब शिलान्यास करने के लिए उनको बुलाया गया तो उन्होंने उद्घाटन की तारीख पूछा कि उद्घाटन की तारीख क्या होगी। तो जब उद्घाटन की तारीख बताई अधिकारियों ने, और मैंने जब तारीख बताई, तो उन्होंने कहा ये तो 17 में ही चुनाव हो जाएगा, और अगर 18 में सड़क बनाओगे तो बताओ उद्घाटन कौन करेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं वही काम को हाथ लगाता हूं जिसका शिलान्यास और उद्घाटन की तारीख हमें सामने बताई जाए। तो उस समय नेताजी से पूछा कि बताओ कितने दिन में सड़क बनेगी, कितने दिन में सड़क बना दें। तो नेताजी ने कहा कि यह सड़क का अगर मैं शिलान्यास कर रहा हूं तो इस सड़क का उद्घाटन भी मैं ही करूं। तो जब मैंने दिन गिने तो ये सड़क 3 साल में बननी थी, लेकिन नेताजी ने कहा कि कम समय बनाओ, तो 22 महीने में ये सड़क बना करके तैयार कर दी। और याद होगा जिस समय ये सड़क बनाई और उद्घाटन हुआ, तो एयरफोर्स के बड़े बड़े हवाई जहाज जो लड़ाकू विमान है उनको सड़क पर उतारने का काम समाजवादी लोगों ने किया। वो सुकोई और वो मिराज इसी सड़क पर उतरे थे। पहली बार कोई हाईवे बना था जहां पर हवाई जहाज उतर सकते थे, और सबसे भारी हवाई जहाज है वो हरकुलस, वो भी इसी सड़क पर उतरा था। केवल आगरा से लखनऊ नहीं बनाई है सड़क, मुझे याद है जब नेताजी का जन्मदिन था उसी दिन इस सड़क को उद्घाटन करने का काम किया। और आप पूरा देश घूम के आ जाओ, पूरे देश में देखाओ, आपको करहल वाली ये एक्सप्रेसवे नहीं दिखाई देगा जैसा ये एक्सप्रेसवे दिखाई दे रहा है। हमसे किसी ने मंडी नहीं मांगी थी, यहाँ जितने लोग नेता हैं या कार्यकर्ता हैं किसी ने मंडी नहीं मांगी थी, लेकिन समय समय पर सोवरन सिंह जी विधायक थे या सांसद थे, किसानों के लिए कुछ मांगते थे। मैंने कहा नेताजी का क्षेत्र है, मैनपुरी में सबसे बड़ी मंडी बनेगी, और वो मंडी बनना शुरू हो गई थी एक्सप्रेसवे के किनारे। जैसे ही सरकार गई आपके मंडी का काम वैसे ही रुक गया, आगे काम नहीं बढ़ पाया। इधर सड़क के किनारे जो ढाबे बनते थे, जो पुरानी सड़क पे आपने देखे होंगे, कोई ढाबा 6 महीना चलता है, कोई 1 साल चलता है, कोई चलता ही नहीं है क्योंकि जमीन इतनी महंगी होती है, ढाबा नहीं चला पाते हैं। हमने कहा ये एक्सप्रेसवे नई तरह का है, इसके किनारे ऐसी चीजें बने कि अगर कोई यात्री आने जाने वाला हो, अगर वो उतर करके चाय पीना चाहे, खाना खाना चाहे, या अपनी पसंद की कोई और चीज खाना चाहे तो वो भी मिल जाए। तो आपने देखा होगा एक्सप्रेसवे के किनारे दो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं जिसमें हर तरह का खाना मिल जाता है। ये भी सरकारी है, हमने किसी को नहीं दिया था, हम सरकार का सरकार के रूप में चलाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग आए इन्होंने वो भी बेच दिया, जाने किसको दे दिया। आप आगरा से लखनऊ चले जाओ, आगरा से लखनऊ चले जाओ, इस सड़क पर नेताजी और हमारा आप नाम कहीं नहीं देखोगे सड़क पर। आप बताओ कहीं नाम लिखाओ हमारा और नेताजी का तो बता दो सड़क पर। आगरा से लेकर के लखनऊ चले जाएं आप, कहीं नेताजी और हमारा नाम नहीं लिखा है। लेकिन जैसे ही सरकार चली गई, जहां पर
लोग उतर कर करके सुसु करने जाते हैं, वहां बीजेपी के लोगों ने अपना नाम लिखा लिया। बताओ कहीं एक्सप्रेसवे पे नाम हमारा लिखा है कि नहीं लिखा, बताओ। यहां पर वो शौचालय है, बीजेपी का सबसे मनपसंद काम अगर कोई है तो वो शौचालय बनाने वाला है, और ऐसे शौचालय बनाए जिसमें एक भी अभी पानी नहीं मिल रहा है। बताओ बिना पानी के शौचालय कैसे जाओगे? और जब मैं ये सड़क के किनारे शौचालय बना रहा था बड़े बड़े, तो एक इंजीनियर आए, बोले कि इतना बड़ा शौचालय क्यों बना रहे हो, दो चार बना दो उतने में ही सब लोग कर लेंगे। मैंने कहा अगर दो बसें भर के आ जाएं तो बताओ शौचालय कैसे करेंगे सब, बस भर के भी आए तो 5 और 10 मिनट लगेगा, सब शौचालय जा सकते हैं। ऐसा शौचालय बनाने का काम किया, और हमारी माँ बेटी बहनें कहीं जा नहीं सकती थी, उनके लिए भी सबसे अच्छे शौचालय बनाने का काम किया। ये तो शुरुआती दौर था जहां विकास की गति हम लोग दे रहे थे, क्योंकि नेताजी ने यहां से लेकर के हम लोगों को यहां तक लाए हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो सिद्धांत, जो मुद्दे, जो विरासत में हम लोगों को मिला है, हमारी समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है कि जो संघर्ष, जो रास्ता नेताजी ने दिखाया, जिन कार्यक्रमों को लेकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी चल रहे थे, जिनके कार्यक्रमों पर नेताजी चल रहे हैं, बाबा साहब के सिद्धांतों को लेकर के चल रहे हैं, अगर नेताजी यहां तक लेकर के आए हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीजों को आगे 50 और 60 साल कैसे लेकर के जाए। इसीलिए ऐसी सड़क बनाई, और मुझे नेताजी अक्सर जब एक्सप्रेस वे की बात होती थी, जब भी मैं उनसे एक्सप्रेस वे की बात कहता था तो वो कहते थे कि तुमने कभी सैफई से पतारा वाली सड़क देखी है? तो मैं कहता था नेताजी आपकी वो पगडंडी वाली सड़क है, ये एक्सप्रेस वे है। तो जब भी मैंने उनसे एक्सप्रेस वे की बात की, उन्होंने हमेशा मुझे सैफई और पतारा की सड़क का याद दिलाया। और सच्चाई ये है कि नेताजी ने जो सैफई से पतारा सड़क बनाई थी, कितने साल पहले बनाई थी सोचो, आज भी उतनी मजबूत दिखाई दे रही है, अभी भी वो गड़बड़ नहीं हुई है। और नेताजी ने पीडब्ल्यूडी से नहीं बनवाई थी, कहा ये ब्रिज बनाने वाले लोग हैं, ये मजबूत सड़क बनाएंगे, इसलिए ब्रिज कॉरपोरेशन वाली सड़क बनाएंगे। पहली बार ब्रिज कॉरपोरेशन ने कोई सड़क बनाई आपके क्षेत्र में तो आपकी सैफई से पतारा वाली सड़क बनाने का काम किया है। इसलिए समाजवादी पार्टी कभी बिना भेदभाव नहीं करती, बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं, बिना भेदभाव के काम होगा। हो सकता है चुनाव में हम लोग उलझ जाएं और चुनाव में दूसरों के लिए वोट मांगते रह जाएं और हमारे लिए कोई वोट ना मांगे, इसलिए बताओ आप सब लोग मिलकर के हमारे लिए वोट मांगोगे कि नहीं मांगोगे? क्योंकि हमें तो हर जगह जाना है वोट मांगने, पता लगा हम अपने लिए वोट नहीं मांग पा रहे हैं। इसलिए ईमानदारी से बताओ कि आप लोग हमारी मदद करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए जब आपने कहा है कि सबसे बड़ी जीत होगी, तो सबसे बड़ी जीत के लिए आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। जो नाराज हैं, जो रूठे हैं, जो आपसे दूरियां बना के रह रहे हैं, कम से कम उनके पास जाना, उनसे सहयोग मांगना, मदद मांगना, उनसे कहना कि ये नई पार्टी है, कहीं भेदभाव नहीं होगा, ये नई सपा है, नहीं भेदभाव होने देंगे, और विकास के लेकर के आपको 7 साल लेकर के चलेंगे। क्योंकि करहल जिस दिन नाम आया उसी दिन से बड़े बड़े चैनल भी बहस करने लगे कि करहल विधानसभा कौन सी है। इसलिए केवल बीजेपी नहीं देख रही है करहल को, पूरी देश और दुनिया देख रही है करहल को कि करहल की जनता क्या फैसला लेगी। और आज के जमाने में कोई बात छिपती नहीं है, बताओ कोई बात छिपती हो? आज के जमाने में कोई बात नहीं छिपती। इसलिए बताओ सबसे बड़ी जीत होगी पार्टी के कि नहीं होगी?
हम लोगों ने बहुत विकास किया, बहुत विकास किया। गरीबों को घर देना हो, पेंशन देनी हो, लैपटॉप देना हो, लेकिन नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन सरकारों ने लगातार गलत फैसले, गलत नीतियां बनाई, जिसके कारण गरीबी बढ़ी और बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई भी बढ़ गई। अगर समाजवादी सरकार बनती है और भविष्य में समाजवादी सरकार बनेगी, नौजवानों को नौकरी और रोजगार के अवसर कैसे मिले, उस दिशा में हम लोग लेकर के जाएंगे। क्योंकि बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार दिखाई दे रहे हैं, कोई क्षेत्र नहीं बचेगा जिसमें काम न करें हम लोग। और ये करैल विधानसभा और लोकसभा मैनपुरी सरकार बनने पर आपको उदाहरण देना पड़ेगा कि अगर विकास हो तो ऐसा विकास हो जैसा करैल और मैनपुरी में हुआ है। अभी तक तो लोग सैफई कहते हैं कि सैफई में ही विकास हुआ है। ये जो झूठे लोग हैं, ये जो जुमलेबाज लोग हैं, ये जो झांसा देते हैं और जो झगड़ा लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग झगड़ा लगाते हैं, झांसा देते हैं, झूठ बोलते हैं। ये कभी कभी कहते हैं कि केवल सैफई तक विकास रहा है। मैं उन बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, सैफई जैसा विकास अगर आपने कहीं किया हो तो बता दो, आपकी डबल इंजन की सरकार ने कहीं किया हो तो बता दो। ये केवल एक जगह नहीं है, पर पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग विकास करने का काम करेंगे और कम से कम मैनपुरी और करैल को उदाहरण पेश करेंगे कि हाँ विकास हो तो ऐसा हो। हालांकि मैंने जब मैनपुरी में था तो मैंने कह दिया था कि जहां पर नेताजी पढ़े और नेताजी ने पढ़ाया, न केवल नेताजी वहां पढ़े और पढ़ाया, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो जैन इंटर कॉलेज में पढ़े होंगे। हमारे विधायक सोवरन सिंह जी भी वहीं पढ़े, असीम यादव भी वहीं पढ़े, इनके पिताजी भी वहीं पढ़ाए। वो तो नहीं पढ़े होंगे पिताजी, उन्होंने पढ़ाया। तो सोचिए, उदय प्रताप सिंह जी केवल यहां के कवि नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। नीरज जी के बाद अगर सबसे बड़ा नाम कोई कवियों में रहा तो वो उदय प्रताप सिंह जी, उनके बेटे यहां पढ़े और वो खुद पढ़ाए वहां पर। और कौन कौन पढ़ा? बाथम जी भी पढ़े। जो प्रिंसिपल बाथम जी हैं, इन्होंने जब हमारा परिचय दिया तो जितनी अच्छाई हो सकती है सब परिचय में पढ़ दी। तो ये भी वहीं पढ़े। और कौन पढ़ा? क्योंकि जैन इंटर कॉलेज हालांकि बहुत संस्था का और उनका है, मैं जब कभी सरकार बनेगी तो मैंने कहा है कि उसको यूनिवर्सिटी तक ले जाने का काम होगा, तो हम समाजवादी सरकार में यूनिवर्सिटी लेकर के जाएंगे। और आपको भरोसा दिलाते हैं कि करैल में कोई न कोई ऐसी इंस्टीट्यूट बनाएंगे जो आज के समय पर जिस पढ़ाई की जरूरत है, उस पढ़ाई को लेकर के नौकरी और रोजगार मिलते हैं, उस तरह की इंस्टीट्यूट बना करके यहाँ के नौजवानों को दुनिया से जोड़ने का काम करेंगे। और इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमको आपको जोड़ के रख दिया है, हम आजकल एक साथ हैं टेक्नोलॉजी में, कौन क्या कर रहा है सबके पास जानकारी है। जब से मोबाइल आया, इंटरनेट आया, गूगल आया, कोई झूठ नहीं बोल सकता, सब सच्चाई कहीं ना कहीं आती है। लेकिन इस व्यवस्था को भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने खराब करने का काम किया, उसमें झूठ फैलाने काम किया। इधर मैंने देखा है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियां, कपड़े मंगाने हो तो कपड़े मंगा लो, खाने का सामान मंगाना हो तो खाने का सामान मंगा लो, टैक्सी चल रही है, चीजें इससे आसान हो गई हैं। इसलिए अगर इस क्षेत्र में भी इस तरह की नौकरी और कारोबार और रोजगार के लिए इंस्टीट्यूट बनानी पड़ी तो हम समाजवादी लोग मिलकर के बनाने का काम करेंगे और जैन इंटर कॉलेज वालों से कहेंगे कि अगर यूनिवर्सिटी तक ले जाना चाहते हो तो हम समाजवादी लोग आपके साथ हैं, करैल में एक यूनिवर्सिटी बना करके नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबसे अपील करता हूं, मैं इन्हीं शब्दों के साथ
ये भेदभाव हो जाएगा कि जिस स्कूल में आए उस स्कूल को कुछ नहीं दे रहे। इस संस्था में कई बार आए, नेताजी आए, हम भी आए और लोग भी आए, कई बार हम भी आ चुके हैं। इसलिए नर्सिंग इंटर कॉलेज के लिए भी यहाँ के लोग जो कहेंगे वो करने का काम करेंगे। और अगर स्पोर्ट्स को लेकर के, हालांकि खेल का तो बहुत कुछ सैफई में भी है, अगर खेल को लेकर भी कुछ बनाना चाहेंगे तो उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इस संस्था को भी मदद कर करके एक कम से कम अच्छी संस्था दिखाई दे करेल में, जो आज के समय पर पढ़ाई होती है उस तरह की पढ़ाई और इंतजाम हो सके। मैं आशा कार्यकर्ताएं और आशा बहुओं की मदद करने के लिए आश्वासन देता हूं। वहीं हमारे रोजगार सेवक दिखाई दे रहे हैं, टीटी वाले दिखाई दे रहे हैं, बीएड वाले दिखाई दे रहे हैं, इसमें ये देखना कौन से वाले हैं, टीटी, बीएड, आंगनबाड़ी, टीटी, इन सब की मदद करने का काम करेंगे। आप भी अपना ज्ञापन भिजवा दो, बीएड टीटी 2011, इनकी भी मदद करने का काम करेंगे। मैं भरोसा दिलाता हूं कि सरकारी जितने भी पद हैं, नौकरियां हैं, उनको सबसे पहले भरने का काम समाजवादी सरकार में होगा। अपने रोजगार सेवकों की भी मदद करेंगे। अभी घोषणा पत्र आने वाला है तो देखेंगे आप बहुत सारी जो समय समय पर हम लोगों को ज्ञापन दिए हैं, टीटी वाले 2011 तुम्हारी समस्या समाधान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि आप सब खुद मिलकर के हमें चुनाव लड़ाओगे। और जैसा मैंने पहले कहा कि हम और लोगों के लिए वोट मांगते रहें, पार्टी की सरकार बनाने के लिए जगह जगह जाते रहें और अपना क्षेत्र भूल जाएं, लेकिन हमारे क्षेत्र के जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जितने नेता कार्यकर्ता हैं, हमें भरोसा है कि करहल तो जिताएंगे ही जिताएंगे, साथ ही साथ मैनपुरी की हर विधानसभा को आप जिताने का काम करना। मैनपुरी शहर में राजू यादव लड़ रहे हैं, उनकी मदद करना। आलोक साह के लड़ रहे हैं, उनकी मदद करना। ब्रजेश कठेरिया लड़ रहे हैं, उनकी मदद करना। इन सभी प्रत्याशियों को ऐतिहासिक वोट दे करके जिताने का काम करना। यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब समाजवादी पार्टी में जिला उपाध्यक्ष बसपा छोड़कर पधार रहे हैं कई साथियों, शायद भाई दीपू मिश्रा जी, और कांग्रेस छोड़कर आए हैं, हम समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं अरविंद साक जी सभासद, और बीजेपी छोड़कर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं आनंद पांडे जी, सैकड़ों साथियों सहित आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिलाध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह यादव जी से अनुरोध करूंगा कि सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करने का कष्ट करें आप।